हमारे पास एक टाटा नैनो है जिसमें एक ऐसी लाइट और बीप आती है, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। मैं चाह के भी इसकी डिक्की नहीं खोल सकता क्योंकि इसकी डिक्की खोलने के लिए मुझे कुछ नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पाने ले लेते हैं। ये हमारी वो टूल किट है, अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो लिंक ऊपर है। इसकी डिक्की खोलने के लिए सबसे पहले मैं नट बोल्ट को खोलूंगा। ऐसे ही नीचे भी हैं हर कोने में, और उसके बाद मैं इन फ्लाई नट्स को खोलूंगा। ये फ्लाई नट इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें पर लगे होते हैं। करीब 10 मिनट मेहनत करने के बाद फाइनली हमने इसकी डिक्की खोल ली। इतनी मेहनत करने के बाद हम फाइनली चेक कर सकते हैं कि इसमें पानी है या नहीं, और आप देख सकते हैं कि इसमें कूलेंट ऊपर तक भरा है, फिर भी गाड़ी इस तरह की टेम्परेचर वाली लाइट हमें दे रही थी। हमारे पास एक और नैनो है जो इस वाली के आगे खड़ी है। हम लगा के देखेंगे इसमें दूसरा ECU, और दूसरे ECU पे भी सेम इशू है। पहले हम यूज करते थे स्टैनली का ये थैला, आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैनली के डब्बे की। मैं अपना OBD स्कैनर लगा के भी एक बार देखूंगा कि क्या फॉल्ट कोड्स हैं गाड़ी में। चड्डी ये वाला जो पाइप है ये इंजन से रेडिएटर की तरफ आता है, तो पानी इसमें से आना चाहिए, और जो नीचे पाइप होता है वो रेडिएटर से इंजन में जाता है और पंप इस पाइप से वापस पानी को भेजता है। तो पाइप में से पानी हमेशा इस पाइप में से आना चाहिए। ये आप देख सकते हो इंजन चल रहा है और इस पाइप में से कोई पानी नहीं आ रहा। एक हाई प्रेशर वॉशर लगाया है और अब हम इसमें इसे फ्लश करेंगे हाई प्रेशर पानी से। गाड़ी के अंदर कूलेंट था, सारे लेवल सब कुछ थे, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था तो इसलिए गाड़ी ओवरहीट हो रही थी और उसके बाद बंद हो रही थी। 75 स्पार्क प्लग हेड टेम्परेचर 106 पाइप टेम्परेचर 80। पहले गाड़ी के आउटलेट पाइप में से बिल्कुल कूलेंट नहीं आ रहा था, कोई चीज बाहर ही नहीं आ रही थी, और अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर से पानी वापस बाहर आना शुरू हो गया है और हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Because I want to reach 1 million.